तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम साइकिल की लाइट बनाने वाले हैं। इसको अब कैसे बनाते हैं हमने पूरी वीडियो बताई है गाइस। आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना गाइस, वॉच करना। ये हम लिथियम आयन बैटरी ले रहे हैं 2000 mAh की, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। लैपटॉप की बैटरी होती ख़राब, जिससे भी निकाल सकते हो। ये हम अनबॉक्सिंग वीडियो में LED की अनबॉक्सिंग की थी, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। ये 5 पीस की LED स्ट्रिप है, देख सकते हो बहुत ब्राइटनेस करती है गाइज। ये हम फीमेल कनेक्टर ले रहे हैं Type-B, इसका बहुत आवश्यकता होगी इसको हम चार्ज करने में लाइट को, इसलिए इसकी ज़रूरत होगी। ये हम स्विच ले रहे हैं टिकटैक, इसको भी हमने अनबॉक्सिंग की वीडियो में अनबॉक्स किया है। जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको जो हमने अनबॉक्स किए थे, ये हम 5 mm की LED लाइट ले रहे हैं रेड कलर में, आप कौन से भी कलर में ले सकते हो। ये ना बड़ी लेग होती है जो प्लस होती है, छोटी लेग होती है माइनस होती है। ये डायोड ले रहे हैं IN4007, जैसे कुछ इस प्रकार से। एक इसकी पीस की आवश्यकता होगी। ये पी वी शीट कैसे बनाते हैं आप हमारी जाकर वीडियो देख सकते हो, इसको हमने कैसे बनाया आप हमारी वीडियो को देख सकते हो जल्दी से जाकर। अब इसके ऊपर मेजरमेंट करते हैं कि कैसे क्या होगी। यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी लग जाएगी, यहाँ पे LED, इसको ना पीसेस कट कर लेंगे मार्कर से ड्रॉ करके। कुछ इस प्रकार से हमने कट कर लिए हैं, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो गाइस, बहुत अच्छे से किए हमने कट। आप ना कैसे बनाई है पी वी शीट आप देख सकते हो। इसको ना सैंड पेपर जैसे से घिस लेंगे, जिससे क्या होगा एक बॉक्स बना लेंगे और ना फेविकिक से चिपक जाएगी। इसलिए जैसे तो इसमें फीमेल कनेक्टर का ना एक कट करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा इसके अंदर। सोल्डरिंग आयरन से करेंगे हम इसको, और LED का भी करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले मार्क ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगाएंगे, जैसे तो कुछ इस प्रकार से हमने सोल्डरिंग आयरन से बहुत अच्छे से कट कर लिया है, बहुत आसानी से, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है गाइस कट करना। जैसे तो यहाँ पर LED आ जाएगी, दिखाता हूँ गाइस, ये देख सकते हो LED आ जाएगी, पर ये इसके अंदर ये नहीं जाएगी, इस पर ना ग्लू गन लगेगी, जिससे ना वाटर प्रूफ बनेगी गाइस। मैं बताने भूल गई, ये ना वाटर प्रूफ LED लाइट रहेगी। शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखना तो गाइस आपको समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं देखोगे तो। अब इस स्विच का भी कट आउट कर दिया हमने, इसको भी फेविक से या ग्लू गन से चिपका देंगे, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इसको भी फेविक से चिपका देंगे, फिर ग्लू गन से चिपका देंगे इसको भी बहुत अच्छे से हार्डली। ये वाटर प्रूफ होगा इसलिए हम ग्लूगन लेंगे। एक रजिस्टर ले रहे हैं 1K का, हमने अनबॉक्सिंग की वीडियो में अनबॉक्स किया था। प्लस माइनस आप कहाँ पे भी लगा सकते हो रजिस्टर, जैसे तो मैंने माइनस पे लगाया, जैसे तो कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर शोल्डर कर देंगे। बहुत आसान है इंडिकेटर, ये इंडिकेटर ग्लो करेगा जिससे अपन को पता चल जाएगा कि इसकी क्या चल रही है। माइनस पे हमने माइनस के फीमेल कनेक्टर का दिया, प्लस प्लस पे LED को लगा दिया। अब ये ना चलाने पर ये LED ग्लो होगी, और अब इस बैटरी के बैटरी कनेक्शन कर दिए हैं, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। बहुत आसान कनेक्शन है, आप समझ सकते हो, देख सकते हो गाइस, आप स्क्रीन शॉट ले लो गाइस, देख सकते हो कुछ बहुत आसान कनेक्शन है। ये प्लस का और माइनस का ब्लैक और प्लस रेड वायर है। अब इसके LED ऊपर चिपकाते हैं जल्दी से, जैसे तो कुछ इस प्रकार से इसको फेविक से चिपका देंगे। ग्लू गन से चिपकाओगे तो ये मेल्ट होकर पिघल जाएगी, ये जैसे कुछ इस प्रकार से हमने चिपका लिया इसको भी। अब एक पी वी शीट भी फिर से लेंगे हम इसका यूज। अब इसके ऊपर ना ये ऐसे कुछ इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं ना, आप मेरे कमेंट में ज़रूर से बताना आके ना इसको क्या कहते हैं। ये पी वी शीट ले रहे हैं इसको ऐसे कट करने के लिए, ये जैसे तो बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको थोड़ी फिनिशिंग देते हैं और इसके अंदर ग्लू गन लगाते हैं, जिससे बहुत अच्छे डिज़ाइनदार हो जाए। जैसे गाइस कुछ इस प्रकार से बहुत अच्छे से लग रही है, जैसे तो गाइस बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है। गाइस इसको चिपकाने के लिए, यहाँ पे लगाने के लिए हम साइकिल के आ गए हैं। यहाँ पे इसके ना हैंडल पे ऐसे रबड़ बैंड लग जाएगा, फिर से ये लग जाएगा, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बहुत अच्छे से वर्क कर रही है गाइस, देख सकते हो। ये ब्राइटनेस बहुत है, इसको ना हम एडजस्टेबल भी है गाइस, देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से। वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।